नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम को उनके 8वें मैच में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी को हैदराबाद ने इस मैच में 9 विकेट से हरा दिया। आरसीबी टीम की बल्लेबाजी इस मैच में बेहद ही खराब साबित हुई, जहां पर विराट, मैक्सवेल, फैफ डुप्लेसी, दिनेश कार्तिक जैसे सारे ही बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज, बड़े बल्लेबाज इस मैच में फेल हुए, जिसकी वजह से उन्होंने 68 रन ही बना पाए और ऑल आउट हो गए, जिसके चलते आरसीबी टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा है। अब भाइयों, आने वाले मैचों में आरसीबी टीम में कई बड़े चेंजेस हमें होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहला चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है उनके ओपनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी टीम के लिए आने वाले मैचों में हमें नए ओपनर्स ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कौन करेगा फैफ डुप्लेसी के साथ ओपनिंग, कौन खेलेगा नंबर 3 पर, इस टॉपिक पर ही हमारी ये वीडियो होने वाली है। आगे हम डिटेल में सारी बातचीत करने वाले हैं, तो भाइयों सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली को अब जो है आने वाले मैचों में, बचे हुए मैचों में आरसीबी टीम के लिए कौन से पोजीशन पर खेलना चाहिए, यानी कि उन्हें ओपनिंग करना चाहिए या फिर नंबर 3 या 4 पर खेलना चाहिए? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो, आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चाहिए डेली, रोजाना, दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम ने 8वां मैच खेला हैदराबाद के खिलाफ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस मैच में टीम की बल्लेबाजी बेहद ही फ्लॉप साबित हुई। फैफ डुप्लेसी आउट हुए, इसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए, वो खाता भी नहीं खोल पाए और एक बार फिर से लगातार दूसरी बार गोल्डन डक पर आउट हो गए। विराट कोहली के लिए ये मैच जो है भूल जाने वाला रहा। इसके पहले वाले मैच में भी विराट कोहली जो है पहली गेंद पर आउट हो गए थे। कोहली का ये फॉर्म देखकर उनके फैंस जो है काफ़ी निराश हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली बहुत जल्दी फॉर्म में वापसी करेंगे और आरसीबी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलेंगे, टीम को मैच जिताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये पारी कब आएगी इसके इंतज़ार में फ़िलहाल फैंस हैं। मैक्सवेल भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, वो भी जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से आरसीबी टीम की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप बिखर गई। इस मैच में कार्तिक भी जो है टीम को मुश्किल से उभार नहीं पाए, वो भी जल्दी आउट हो गए, जिसके चलते आरसीबी टीम को 68 रनों पर ही ऑल आउट होना पड़ा। तो इस मैच को हैदराबाद ने जो है 9 विकेट से जीत लिया 69 रन बना करके। अब दोस्तों, आने वाले मैचों में आरसीबी टीम कई बड़े चेंजेस कर सकती है। पहला चेंज तो करने वाली है कि वो ओपनिंग से अनुज रावत को हटा सकते हैं। अनुज रावत को हमने देखा कि कई मैचों में उनके बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे हैं। ज़रूर स्टार्टिंग के मैचेस में थोड़ा अच्छे दिखे थे, शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन बड़े रन्स उनके बल्ले से नहीं निकल रहे हैं, टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। इस वजह से दोस्तों आरसीबी की टीम शायद अब ओपनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करने वाली है। हालांकि एक तरफ फैफ डुप्लेसी तो रहेंगे ही, लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा ये बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से भाइयों, यहाँ पर सभी फैंस ये भी डिमांड कर रहे हैं कि विराट कोहली जब नंबर 3 पर अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना उनसे ओपनिंग ही करवाया जाए। इसके बाद नंबर 3 पर आपके पास ऑप्शन बचेंगे रजत पाटीदार या फिर महिपाल लोमरोर, इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को आरसीबी टीम मैनेजमेंट मौका दे सकती है, वो नंबर 3 के लिए परफेक्ट रहेंगे। तो जब विराट कोहली नंबर 3 पर लगातार स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आरसीबी टीम आने वाले मैचेस में उनसे जो है ओपनिंग करवा सकती है। विराट और फैफ हमें आरसीबी टीम के दो नए ओपनर्स के रूप में ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर विराट ओपन करेंगे तो उन्हें पावर प्ले में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा। फैफ डुप्लेसी तेज़ी से बल्लेबाजी कर सकते हैं पावर प्ले, और विराट कोहली रुककर बल्लेबाजी करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से और सारे ही फैंस के हिसाब से फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि विराट कोहली हमें आने वाले मैचेस में ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।